जहाँ प्रदेश के मुखिया माफियाओं को खुली चेतावनी देते हैं और प्रशासन द्वारा भी लगातार अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के प्रशासन अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर पर कार्यवाही करने में कतरा रहा है। अगर देखा जाए तो शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में भी कई अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन प्रशासन इन अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने से बचता नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि प्रशासन की कथनी और करनी में फर्क है, जिसके चलते राजनीति दबाव के कारण या कॉलोनाइजर्स के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होने के कारण कॉलोनाइजर्स के हौसले बुलंद है। दरअसल अवैध कॉलोनियों पर प्रदेश सहित सीहोर जिले में प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नसरुल्लागंज तहसील में ही आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। नगर में 66 कॉलोनियों की जो जानकारी मिल रही है कि अवैध हैं, तो उस पर प्रशासन द्वारा नोटिस भी दिया गया था, तो किस प्रकार का नोटिस था और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? देखो, शहरी क्षेत्र के 52 और ग्रामीण के 14 जो कॉलोनियाँ हैं, इनको इनके जो भी संचालक हैं, इनको नोटिस दिया गया है और नोटिस के लगभग सभी लोगों के जवाब आ चुके हैं, जवाब का परीक्षण किया जा रहा है और उनके खिलाफ में भी मान लो कॉलोनी नाइजर एक्ट के खिलाफ जो भी उनके द्वारा कृत किए गए हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जाए तो किस प्रकार से नाजायज देखी गई है शासन द्वारा? देखिए, इसमें जो कॉलोनाइजर एक्ट है उसके अंतर्गत उनको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की जो सुविधाएँ उन्हें वो देना चाहिए। दूसरा, उनके पास में आंतरिक से मतलब ऐसा होता है कि रोड, नाली, ड्रेनेज, लाइट सबकी व्यवस्थाएँ होना चाहिए, उनके पास कॉलोनी का लाइसेंस होना चाहिए, विकास की अनुमति होना चाहिए, TNCP से अप्रूव होना चाहिए, ये सब चीज़ें यदि जिसके पास तो नहीं है तो वो अगर कॉलोनी मानी जाए। सर, जैसे कि कॉलोनिया में मकान बिक चुके हैं, लोग उसमें निवास कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कार्रवाई की जाएगी तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने मकान प्लॉट लेके मकान नहीं, उन पर कार्रवाई, जिसने कॉलोनी काटी है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसकी भरपाई करके उनको दिया जाएगा, ये है नियम उसमें। उनको जिन्होंने खरीदा उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई होना, जिन्होंने कॉलोनी बनाई है, जिन्होंने कॉलोनी प्रपोज की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, उसमें नियम ही है। वॉइस ऑफ फ्रेड्स के लिए नसरुल्लागंज से मुकेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।